हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं ना कल कसीनो गया था, तकरीबन 2 महीने बाद गया था मैं कसीनो। और तो नियो मजेस्टिक कसीनो, वहाँ मेरी एंट्री फ्री है, मतलब मेरी एंट्री नहीं लगती है। वैसे 1000 रुपीज़ की एंट्री है, पर मेरी एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने की हुई है। मुझे नहीं पता क्यों की है, क्योंकि एंट्री हमेशा ज़्यादा जीतने वाले की होती है फ्री, या फिर बहुत ज़्यादा हारने वाले की एंट्री फ्री होती है। मतलब जिससे वो अच्छा मोटा पैसा जो हार चुका है, बड़ा बड़ा जीत चुका है, मतलब टर्नओवर, जो बड़ा जीतेगा वही बड़ा हारेगा। तो बड़ा जीतने वाले की एंट्री फ्री होती है या बड़ा हारने वाले की एंट्री फ्री होती है, वो भी एक बार नहीं, रेगुलर बेसिस पे। तो वहाँ पर मेरी एंट्री मुझे नहीं मालूम कैसे फ्री कर दी उन्होंने, किस बिना पे कर दी, क्योंकि ना मैं बड़ा खेलता हूँ और बड़ा हारना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो छोटा छोटा भी कभी माइनस में होता हूँ तो वो भी बहुत रेयर चांस होता है, और मैं अव्वल तो बहुत कम जाता हूँ। तो अभी मैं 2 महीने बाद कल कसीनो गया था, तो कसीनो की सारी कैश चिप नई हो गई है। अभी आपको फ़ोटो में दिख भी रही होगी, पहले दूसरे टाइप की थी। तो पहले इसकी एंट्री भी 500 रुपये थी कोविड के बाद, अभी इन्होंने 1000 रुपीज़ करी है पिछले 1.5-2 महीने पहले। कसीनो भी एक्सपेंड किया है नया, उसमें लॉबी शुरू हुई है। तो वहाँ पर मुझे कई लोग ऐसे मिले जिनसे बातचीत हुई, तो मालूम पड़ा कि मतलब वही है कि वो हर बार, मतलब उन इतना करोड़ों रुपये हार चुके हैं, कोई 10 साल में 1.5 करोड़ हार चुका है, कोई 2 करोड़ हार चुका है, ऐसे लोग मिले। तो वो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो एक भाई साहब मिले, थोड़ा उदास थे, कह रहे और राकेश भाई, मैंने कहा हाँ जी, कह रहे यार वो बड़ा मूड ख़राब है, मैं क्या हुआ, थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, मैं क्या हुआ। तो बोले वो कि यार मतलब कुछ 20-30 हज़ार रुपये से उन्होंने 3 लाख बना लिए थे, 30-35 हज़ार से 3 लाख बना लिए थे। दोस्तों 35 हज़ार से आप खेले और आपके 35 हज़ार थोड़े बहुत बड़े और फिर जीरो हो गए ना, तो इतना दुख नहीं होगा जितना दुख होगा कि 35 हज़ार से आपने 3 लाख बना लिए, आप चले गए अपने घर, फिर वापस आए और फिर खेलते रहे और फिर वो सब जीरो कर दिया, 3 लाख भी गया और 35 हज़ार भी गए, बहुत ज़्यादा दुख देता है। पता नहीं, मैं वो कहते कि यार पता नहीं इसको लोग कैसे नहीं रोक पाते, मतलब रोक ही नहीं सकता कोई। और मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मैं 5 हज़ार रुपये लेके जाता हूँ, बहुत रेयर चांस होता है कि मैं कभी 10 हज़ार लेके जाऊँ, वरना मेरा एक टारगेट है कि 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाता। 5 हज़ार रुपये मेरे पास ATM कार्ड हो भी तो मेरा हिम्मत नहीं होती कि ATM से पैसे निकाल लूँ, मतलब ही नहीं बनता। 5 हज़ार रुपये मैं लेके गया और 5 हज़ार से मैंने पहले डाले 3 हज़ार रुपये, वो 3 हज़ार रुपये 4300 रुपये पहुँचे, मतलब घटे बढ़े घटे बढ़े, मैं खेलता अलग तरीके से हूँ, तो 4300 रुपये गए। मैंने कहा 5 होंगे तो मैं इसमें से 3 विड्रॉल कर लूँगा, फिर अपने प्रॉफिट से खेलूँगा। वो 4300 गए, फिर वापस घटने लग गए, फिर वो आ गए 1500 पर, फिर वो खेलने लगा मैं, फिर वो 4350 हुए हाईएस्ट, उसके बाद में फिर वो 1500 वगैरह पे आ गए, उसके बाद वो एक बार 3900 पे पहुँचा, एक दो बार 3500 पे पहुँचा, अल्टीमेटली एंड में वो 3000 रुपये जीरो हो गए, मतलब वो हुआ ही नहीं क्या। तो फिर मैंने उसमें आधा घंटे का गैप लिया, चाय वाय पी, उसके बाद मैंने 2000 रुपये डाले, 2000 रुपये डाले। और इस बार मैंने सोचा कि हम 3000 में माइनस हूँ, तो अब इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, अब मैं छोटे छोटे विड्रॉल करता हूँ। तो 2000 डाले, 3000 हुए, मतलब वो हो गए थे कुछ 1600 रुपये, ऊपर के 600 से खेला वो नहीं बगए, तो 3000 विड्रॉल किया, 1000 रुपये जेब में डाला, फिर वापस थोड़ी देर में 2000 रुपये डाले, तो अब मैं 2000 रुपये लॉस में था। फिर 2000 रुपये डाले और पॉजिटिविटी आ चुकी थी, क्योंकि आपने 1000 प्लस किया ओवरऑल में, तो आप 2000 माइनस थे हो अभी भी, पर आपने 1000 प्लस किया तो फ्लो शुरू हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव वे में खेला, तो जैसे ही छोटी छोटी बेट खेलता रहा, जैसे ही 2000, 2500, 2800 रुपये हुए, फिर एक बड़ी बेट लगाई 600 या 800 रुपये की, तो कभी कभी वो चली जाती थी, फिर 2000 पे आ जाते थे, फिर छोटी छोटी बेट खेली 300 की 250 की, फिर प्रॉफिट आ गया 2800 हो गए 2900 हो गए, तो ऊपर के 800-900 की फिर एक बेट लगा दी। ऐसे में ही सीधा एक स्टेटअप आ गया, 100 रुपये लगाए हुए थे एक नंबर पर, स्टेटअप आ गया 3600 रुपये को, मतलब टोटल वो 5100 रुपये पहुँचे, 5400 पहुँचे थे, मैं 5400 रुपये, मैंने 300 रुपये की एक बेट लगाई वो नहीं आई, तो 5100 रुपीज़ मैंने विड्रॉल किया, तो उसमें मैंने 3100 रुपये का प्रॉफिट उठाया। तो मैं जो 2000 माइनस था, अब मैं 1100 प्लस हो गया। उसके बाद में मैंने फिर 3000 डाले तो मैंने 7700 रुपये 7700 रुपीज़ निकाले। उसके बाद मैंने फिर 3000 रुपये डाले और फिर मुझे याद नहीं कितने, 7700
और 5400 तो तभी निकाले थे, मतलब एक बार और मैंने 5000 रुपये निकाले। ओवरऑल मैंने 14800 रुपये बनाए, प्रॉफिट अपना अलग जेब में डाला। विनिंग अमाउंट जो था, मैंने ये फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर बैठने की लॉबी में वहाँ बैठा, छोटा सा फ़ोटो बनाया क्योंकि बहुत दिनों बाद गया था। चिप एक्चुअली चिप दिखाने के लिए नहीं वीडियो बनाया था, वो चिप नई आई है, मतलब पहले सालों से 8-10 साल से वो पुरानी चिप थी, ये नई चिप थी, कैश चिप है ये सारी। तो फिर मैंने इसका फ़ोटो वोटो बनाया, अब नीचे गया, हल्का फुल्का कुछ खाया और तब तक मेरे ख्याल से 9:30-10 बज चुके थे, कैश कराया और निकल आया। तो मैंने कहा चलो अगले दिन आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। डोडो 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 आओ आओ, वो बेचारे को अंदर आना है, थोड़ा झिझक रहा है, पता नहीं यहाँ पे चावल पड़े हुए हैं उसके बहुत सारे। आओ डोडो, इसका नाम डोडो है, वैसे तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं, जो लोग नए होंगे शायद वो नहीं जानते होंगे। ट्रैवल एंड नॉलेज पर तो इसके बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं, कैसे ही हमारे घर में आ गया इत्तफाक से, ये बलि के लिए किसी ने, होता ना पूजा करते बलि करते हैं, ऐसे बलि के नाम पे छोड़ गए थे नदी के किनारे, तो आ गया था घूमता टहलता हुआ। तो बच्चा ही था, बहुत छोटा था, टॉनी ने इसके ऊपर हमला भी किया था जब ये आ गया था, वो गलती से यहाँ आ गया, पेड़ पे बैठा रहने लगा, फिर घर के अंदर आ गया तो टॉनी ने पकड़ लिया, फिर उससे छुड़ाया, फिर यहीं रहता था, फिर उसके बाद इसके पैर पे चोट लग गई थी, फिर हमने उसका ट्रीटमेंट किया, तो तब से ये फ्रेंडली हो गया टॉनी वगैरह के। तो वैसे बहुत गुस्से वाला है, हमें दिन में 2-3 बार काट लेता है। तो दोस्तों हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, ये बात ठीक है। जो मैं एडवांटेज आप लोगों को देने की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग लेना चाहो आपकी मर्ज़ी है, देखो मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग बिना मेरे कहे भी, बहुत सारे लोगों ने मेरा प्रोमो कोड यूज़ किया है, बहुत सारे लोगों ने, तो ठीक है। और देखो आप लोगों को जीतना आता है, इसलिए ज़्यादा ना ट्रिक के पीछे मत भागो, आप लोग ना ट्रिक स्ट्रेटेजी नंबर के पीछे जाओ। जब आप देखते हो कि कमेंट पढ़ो ना आप, जो लोग बोलते हैं कि हमने 1000 से 5000 बनाए, हमने 10000 से 40000 बनाए, 1 लाख बनाए, जीतना आप लोगों को आता है, रुकना नहीं आता है, रुकना नहीं आता है। अब कायदे में तो मैं इस पे अड़ जाता कि जी मुझे 14800 नहीं, मेरे को तो 15 ही लेके जाने हैं, आज तो मेरा दिन है, मैं 20 भी लेके जाता, 25 भी नहीं, मैंने क्लियर था ये 14800 हो गए थे, ये 2000 भी ऊपर होते ना, अगर ये घट भी जाते, मान लो ये ऊपर ही नहीं, अभी ऐसा तो है नहीं कि 5000 आप लेके गए हो तो 8000 पे वापस आ जाओगे, 8000 पे आपका वापस आओगे, ऊपर जा करके आपका वापस ग्राफ नीचे आ रहा है कि मतलब अब ये नहीं देगा। जैसे वो देखो ना, मैं वो मेरी गलती थी जो मैंने पहली बार 3000 डाले, जब पहली बार वो 4300 से ऊपर नहीं गया, दूसरी बार वो 4350 आया, फिर नीचे आ गया, तो उसके बाद मेरी मिस्टेक थी, मैं जितना भी खेला मुझे दूसरी बार में विड्रॉल कर लेना चाहिए ना, तो उसके बाद एक बार और वो 3900 पे पहुंचा था, उस समय मुझे सिर्फ 900 रुपये प्रॉफिट में विड्रॉल करना चाहिए, पर मैंने कहा नहीं यार कम से कम 2000 रुपये तो होनी चाहिए, तो वो मेरी मिस्टेक थी। तो मैंने बोला गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, पर आप गलती से सबक सीखते हो, जब भी ऐसा हो जाए तो तुरंत आपको क्या करना है, डोडो चले गए, तुरंत आपको क्या करना है, अपनी बेट के अमाउंट को छोटा कर देना, छोटे छोटे विन करने, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।